तो बच्चों आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का जीके कॉम्पिटिशन होने वाला है? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट स्केल आ रही है। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताता जाएगा, ठीक? यस मैम। अभय आपको आवाज आ रही है? अभय यस। चलिए आप ये बताइए, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए, कोई भी एक। अब है आपसे पूछ रहे हैं। किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए, बता दीजिए। दुर्गेश आपको आवाज आ रही है? यस मैम। आप बताइए बेटा, किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए। मैम पासवर्ड से हम लोग पासपोर्ट। सिया आप बताइए, किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए पासपोर्ट के अलावा। सिया सिया आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? आयुषी आप बताइए, किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए पासपोर्ट के अलावा। मैम पैन कार्ड। अब आपको बताना है किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम, आपने बताया। आवाज आ रही है? नव्यांश सिया आप बताइए, सिया किसी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का नाम बताइए अलावा। नव्यांश नव्यांश आयुषी आवाज बताइए। यस मैम। चलिए आप बताइए, टॉकिंग ऑन टेलीफोन की ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, तो हम आपसे पूछेंगे आप बताइए करनी चाहिए या नहीं, आपको बताना है। फोन पर बात करते समय तेज तेज चिल्लाना चाहिए? नो मैम। करेक्ट। नो मैम। करेक्ट। दुर्गेश आवाज आ रही है? यस मैम। आप बताइए, जब कोई और बात आ रहे हैं फोन पे तो हमें भी बात करनी चाहिए पीछे से? गुड मॉर्निंग मैम। यस यस और नो बताइए। यस यस मैम। एम नो। अभय आ रही है? मैम नहीं। सिया यस मैम। सिया आवाज आ रही है आपको? यस मैम। चलिए आप बताइए कि अगर कोई बात रहा है फोन पर तो हमें पीछे से बोलते रहना चाहिए या शांत हो जाना चाहिए? मैम शांत हो जाना चाहिए। करेक्ट। ये बताइए कोई किससे पूछना है? नव्यांश आवाज आ रही है आपको? यस मैम। नव्यांश मितुल आवाज आ रही है?
यस मैम। चलिए आप बताइए, जब किसी को कॉल करते हैं तो क्या पूछते हैं उससे? किसी को कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या? नहीं बेटा, आपकी बुक में क्या लिखा था? इसमें लिखा है डोंट, क्या करना है? नहीं नहीं पूछना है हूज कॉलिंग, ये नहीं पूछना है। क्या पूछना है ये बताइए मैम। जैसे कोई काम रहा है तब उसको फोन लगा के पूछते हैं। आयुषी आप बताइए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर सॉइल एक्सेट्रा डर्टी? पॉल्यूशन मैम। पॉल्यूशन करेक्ट। दुर्गेश। यस मैम। दुर्गेश आप बताइए, मीन टू ट्रीट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। मैम रिसाइकल। करेक्ट। सी आप बताएंगी, आर केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, टू मच ऑफ इट कैन पॉइजन द फूड सप्लाई एंड एनवायरनमेंट। मैम पेस्ट। क्या होगा इसमें? मैम पेस्टिसाइड्स। करेक्ट। नव्यांश आपको बताना है, डैश इज द एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इनटू द सी, इट कॉजेस सीरियस डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ। और ये देखो वीडियो देखो। मैम पेस्टिसाइड। अब है आपको आवाज आ रही है? Yes, अब है? अब है आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आर केमिकल्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट, टू मच ऑफ इट कैन पॉइजन द फूड सप्लाई एंड एनवायरमेंट। अब है आप बताइए। अभय से पूछ रहे हैं बेटा, अभय से पूछ रहे हैं। कौन बता रहा है? अभय से पूछ रहे हैं ना। नेक्स्ट कौन है? नव्यांश आवाज आ रही है आपको? मितुल। यस मैम। मितुल आपको आवाज आ रही है, बताइए। चलिए, इज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय सर्टेन गैसेस दैट ट्रैप हीट फ्रॉम द सन? क्या होगा यहाँ पर? नहीं बोल रहा। आयुषी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। आप बताइए बेटा, इज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय सर्टेन गैसेस दैट ट्रैप हीट फ्रॉम द सन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। करेक्ट। सिया आपको आवाज आ रही है? यस मैम। आप बताइए बेटा, एयर डैश करके है, इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट इज फाउंड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द सन्स डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होगा यहाँ पे? ओजोन। करेक्ट। दुर्गेश आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। बताइए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर सॉइल एक्सेट्रा डर्टी? मैम पॉल्यूशन। करेक्ट। अभय आपको आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वीडियो कर लीजिए। आ गई। चलिए आप आंसर दीजिए। Means to treat things that have already been used so that they can be used again. इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Styling. हाँ करेक्ट।
नव्यांश आपको आ रही है? नव्यांश बताइए आप, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर सॉइल एक्सेट्रा डर्टी, क्या होगा इसका आंसर? मैम नव्यांश, हाँ बताइए। यस मैम, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर सॉइल एक्सेट्रा डर्टी क्या होगा यहाँ पर? मैम मैम हम मिथुन आवाज आ रही है? मिथुन आवाज आ रही है? मैम आवाज फंस फंस के आ रही है। मैम फंस फंस के आ रही है। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा। मिथुन आवाज आ रही है आपको? यस मैम। चलिए आप बताइए, आर केमिकल यूज टू कंट्रोल पेस्ट, टू मच ऑफ इट कैन पॉइजन द फूड सप्लाई एंड एनवायरमेंट, क्या होगा यहाँ पर? मैम यहाँ पे नेक्स्ट आयुषी आवाज आ रही है? यस मैम। बताइए बेटा, अमूल का जो बटर होता है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैम वेजिटेरियन है। दुर्गेश, मितुल। यस मैम। यस मैम। मितुल आप बताइए, जो ठीक है जो सोयाबीन होता है वो वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन? मिथुला बताइए। मैम वेजिटेरियन। मैम वेजिटेरियन। करेक्ट करेक्ट। नव्यांश आप बताइए, डेरी मिल्क वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नव्यांश। मैम वेजिटेरियन है। मैम वेजिटेरियन है। सिया आवाज आ रही है? यस मैम। चिकन लुम्पिया नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन? मैम वेजिटेरियन। दुर्गेश आवाज आ रही है? यस मैम। चिकन लुम्पिया नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन? मैम नॉन वेजिटेरियन। करेक्ट। अब है आवाज आ रही है? अगर कोई चीज वेजिटेरियन है तो उसपे कौन सा साइन होगा, रेड या ग्रीन? मैम ग्रीन। कोई प्रोडक्ट, हाँ करेक्ट, ग्रीन। चलिए आप लोगों यहाँ से ये डिकॉम्पिटिशन एंड होता है। आप सबने बहुत अच्छा कोशिश किया है, तो आपके मार्क्स भी हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। तो आप लोगों के मार्क्स जैसा कि आप लोगों को दिख रहे हैं, अभय का 4 नंबर्स हैं एंड दुर्गेश के 8 मार्क्स, आयुषी के 10/10, सिया के 6 मार्क्स, नव्यांश के 2 मार्क्स एंड मिथुल के 2 मार्क्स। तो ये आप लोग का जीके कॉम्पिटिशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।